दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा कोला सुपर डीप बोरहोल में क्या पाया गया था और आखिर क्यों उसे बंद करना पड़ा। दोस्तों, दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा 24 मई 1970 को रशियन बॉर्डर के नजदीक कोला पेनिनसुला में खोदा गया था। इस गड्ढे को खोदने का मकसद ये था कि सोवियत साइंटिस्ट जो थे वो जानना चाहते थे कि जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे क्रस्ट कहते हैं, वो आखिर फॉर्म कैसे होता है और इवॉल्व होता कैसे है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस गड्ढे को करीब 9 इंच में ही 40,230 फीट गहरा खोदा गया था, यानी करीब 12.5 किलोमीटर गहरा। अब इसमें यह आए कि इसके अंदर का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो अनएक्सपेक्टेड था, और इसके अंदर से तरह तरह के गूंजे सुनाई देने लगी। साथ ही इसमें सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स यानी कि सूक्ष्म जीवों के अंश पाए गए थे, जैसे कि एल्गी, बैक्टीरिया वगैरह। और डीप इनसाइड जो रॉक्स थे वो रॉक्स की तरह नहीं बल्कि प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लगे, मींस कि वो पिघलने लगे थे। और साइंटिस्ट लोगों का सारा इक्विपमेंट काम करना बंद कर दिया था और आखिर 1992 में इस गड्ढे को क्लोज करना पड़ा, क्योंकि इसके आगे और गड्ढा खोदना इम्पॉसिबल था और साथ ही सोर्स ऑफ इनकम भी कम पड़ने लगे थे।